दोस्तों अगर आप भी डेविड मिलर को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 5 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने भारतीय टीम को चारों खाने चित करते हुए करारी हार थमा दी है, जहां इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मिलर ने अपने शानदार फॉर्म को कैरी फॉरवर्ड करते हुए भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी और एक मैच विनिंग पारी खेलकर एक असंभव से दिखने वाले लक्ष्य को हासिल करते हुए बड़ी जीत दिला दी। लेकिन इस मुकाबले में भारतीय टीम कई पहलुओं पर पिछड़ती हुई नजर आई और इसी को एड्रेस करते हुए टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ ने हार के बाद सारा ठीकरा टीम के तीन बड़े खिलाड़ियों पर फोड़ते हुए उनकी जमकर क्लास लगाई और भारत की हार पर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दिए। तो आखिर मैच हारने के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने क्या कहा, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और साउथ अफ्रीका में कौन है बेहतर T20 टीम, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत को करारी हार का सामना करना पड़ा। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए मैच में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को एक बड़े स्कोर को होने के बावजूद भी आसानी से हार थमा दी। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान भावुआ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शुरुआत में ईशान किशन ने 48 गेंदों में 76 रन, फिर बीच में श्रेयस अय्यर के 27 गेंदों में 36 और अंत में हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 212 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। लेकिन इसके जवाब में साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज शुरू से ही आक्रामक नजर आए और हालांकि साउथ अफ्रीका ने 80 रन पर अपने 3 विकेट गवा दिए थे, लेकिन चौथे विकेट की साझेदारी में डेविड मिलर और वेंडर हुसैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम से मुकाबला छीन लिया। इन दोनों बल्लेबाजों के आगे भारतीय बॉलर्स की एक ना चली और दोनों ने अर्धशतक जड़े और सिर्फ 10 ओवर में 131 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम ने 5 गेंद शेष रहते हुए मुकाबला जीत लिया, जिसके बाद भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ डग आउट में काफी ज्यादा नाराज दिखाई दिए। उन्होंने इस मैच में हार का सारा ठीकरा भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत एवं उप कप्तान हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर के ऊपर फोड़ते हुए कहा कि इस मैच में हमारी टीम की तरफ से प्लानिंग में कहीं न कहीं गलती हुई है, हमें बीच के ओवरों में गेंदबाजों को अच्छी तरह से रोटेट करवाना चाहिए था, बेशक पिच फ्लैट थी लेकिन हमने इतना स्कोर बोर्ड पर लगा दिया जिसे डिफेंड करना चाहिए था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया, हमारे गेंदबाज सही एरियाज में गेंदबाजी नहीं कर सके और फील्डिंग भी अच्छी नहीं रही, अगर आखिरी के ओवर में श्रेयस वो कैच पकड़ लेते तो शायद नतीजा कुछ और हो सकता था, कुछ छोटे छोटे लम्हे होते जो इन करीबी मुकाबलों को जीतने के लिए हम अपने हक में जरूर कर सकते थे और हमें करना चाहिए था, वो हम नहीं कर पाए और वहीं से हम पीछे हो गए। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से भारतीय टीम की हार की सबसे बड़ी वजह क्या रही, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।